आज हम मेन डिफरेंस देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज मेनली हम देखने वाले हैं कि ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं इनका लीजन कौन से पार्ट में पाया जाता है। ताकि आपको आगे कभी कंफ्यूजन ना हो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो में जो लीजन है वो एंटीरियर साइड मिलता है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में लीजन एंटीरियर साइड पाया जाए तो वो है पोलियोमाइलाइट। उसी तरह दूसरी डिजीज आ जाती है सिरिंजोमाइलिया। ठीक है, सिरिंजोमाइलिया में कैविटी बन जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ पे जो मेन लीजन रहता है वो यहाँ सेंट्रल कैनाल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इज टेप्स डॉर्सलिस। टेप्स डॉर्सलिस जो कि सिफिलिस का कॉम्प्लिकेशन है, तो यहाँ पे लीजन पोस्टीरियर कॉलम या डॉर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर नर्व रूट में लीजन मिलते हैं। सो अगर बैक साइड लीजन है डॉर्सल कॉलम में तो वो कौन सी डिजीज है नर्वस सिस्टम की? टेप्स डॉर्सलिस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। तो इसमें जो हाफ साइड और स्पाइनल कॉर्ड है उसी में लीजन मिलता है। जैसे कोई गन शॉट इंजरी हो गई या ट्रॉमा वगैरह लग जाए और स्पाइनल कॉर्ड का पूरा हैमी सेक्शन डैमेज हो जाए तो वो डिजीज रहती है ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। फिफ्थ डिजीज है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूजन। एंटीरियर नाम से ही पता है तो यहाँ पे लीजन कहाँ हो गए? सामने जाएंगे। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाए, वहाँ उधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वो बंद हो जाए, तो उसके जो लीजन है वो हमें एंटीरियर साइड मिलेंगे। यहाँ पर लास्ट वन इज सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। तो इसमें जो लीजन है वो मेनली हमें पोस्टीरियर साइड मिलते हैं और यहाँ थोड़े से साइड में भी, लेटरल साइड में भी मिलते हैं। सो ये कौन सी डिजीज हो गई? सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो था। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कि डिफ्रेंशिएशन मेन नर्वस डिजीजेस का समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम प्राची एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।